22 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने दो आंख वाला कानिया लाला हरामदेव के 11 चैनल हैं, वो जो पिस्टल लेके घूमता है करके क्रिमिनल जैसा सुदर्शन चैनल उसका है, जी न्यूज जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला जिसके कारण बैंक डूब गए, वो राज्यसभा में सदस्य है भाजपा के, दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्णब गोस्वामी जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, कहाँ है, कहाँ है, किस बिल में छुपा है, जो पुलवामा घटना का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ आप समझिए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का जो चैट लीक हुआ 520 पन्नों का है, अगर ये जानकारी किसी तरीके से लीक हो जाती व्हाट्सएप चैट, तो हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे उनके साथ क्या होता, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और वो अर्णब गोस्वामी जो अनवय नाइक के सुसाइड नोट में उसका नाम था, फिर भी अक्षता नाइक और प्रज्ञा नाइक को इंसाफ नहीं मिला, अर्णब गोस्वामी को जेल में नहीं डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। 3000 टन में क्या हुआ, मुजरा गा रहे थे आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे थे कि अडानी जो प्रधानमंत्री का दोस्त है जिसके पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है 21000 करोड़ रुपए का था, उस पर कोई बात ही नहीं है, वो चूंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है, सैया वेड़ा कोतवाल हम नंगे नाचम ना, अडानी नंगा नाच रहा है देश में, शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास पकड़ा गया, वो कोर्डियल क्रूज जहाज किसका था, वहाँ तटरक्षक क्या कर रहे थे, वहाँ सुरक्षा पहरेरी क्या कर रहा था, और जो गाबा ऑर्गेनाइजर था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। केपी गोसावी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भानुशाली जिसके संबंध जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ और रेल राज्य मंत्री के साथ, तमाम भाजपा के नेताओं के साथ हैं, क्या एनसीबी में भारतीय जनता पार्टी की बहाली हो रही है, तो क्या एनसीबी, अब तो आपको खुशगंज जी जनता जवाब देने लगी ना बीजेपी, बिल्कुल ये जनता सीख रही है, जो जितने चुनाव हुए ये जो जुमलों में जो उलझा के रखा उससे निजात, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी, सबने देखा, ये कहते हैं अमित शाह जी कभी कहते हैं 20-20 घंटे प्रधानमंत्री जी सोते हैं, अब प्रधानमंत्री कहते हैं 18-18 घंटे जागता हूँ, तो काहे के लिए जागते हैं, देश बचने के लिए, भेज दीजिए, भेजते हैं, हाँ देश का सौभाग्य होगा, इसराइल के प्रधानमंत्री का लाख लाख बधाई शुक्रिया कि नरेंद्र मोदी को इसराइल का प्रधानमंत्री बना दे, भारत तो कम से कम मुक्त हो जाएगा, भारत में तो इस तरीके का कुकर्मी प्रधानमंत्री नहीं होगा जिससे किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, देश की पूरी आवाम परेशान। आपने नहीं देखा अनप्लान्ड लॉकडाउन में 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में 24 तारीख को रात में, जब कहते थे बड़े बुजुर्ग कि रात में उल्लू बोलता है तो बुरा होता है, जब भी प्रधानमंत्री बोलता है तो बुरा होता है, और रात में बोलता है, नोटबंदी रात में किया, GST रात में लाया, लॉकडाउन रात में लाया, जब भी ये रात में बोलता है उल्लू की तरह तो रात कुछ ना कुछ देश में बुरा होता है। योगी जी ने दिल्ली में ही पोस्टर लगवाए हैं। अरे भैया, अरे सुन तो लो, योगी किसको कहते हैं आप, अगर उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहेंगे तो दाऊद को अलादेन को का शंकराचार्य कहिएगा, आप कहिए ना उससे, उस ढोंगी अपराधनाथ से, अमरोहा में 15 साल की युवती से बलात्कार हुआ, बलात्कारी मोनू मिश्रा धमकाता रहा पीड़िता को, उसके बाद थाना में FIR दर्ज नहीं हुए और वह पीड़िता को हत्या करके पेड़ से लटका दिया, आप बात उस पर नहीं कीजिएगा, आप बात महंगाई पर नहीं कीजिएगा कि जो क्रूड ऑयल 105 रुपया 71 पैसे प्रति डॉलर प्रति बैरल था, आप समझिए वो उस समय की सरकार में 2014 में 71 रुपया 41 पैसा था और डीजल 55 रुपया 49 पैसा था, आज कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 82 रुपया प्रति बैरल है, फिर दाम क्यों 2014 के हिसाब से आज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं प्रधानमंत्री कर देता। यूपी में कम तो हो गया, हम कहाँ रह रहे, दिल्ली में, कब कैसे कम हो गया, चुनाव आया आपने जो पॉकेट मारी की, आप 100 रुपया चोरी कर लिया हमारा, देश की जनता का आपने चोरी की और उसमें से 50 रुपया दे दीजिएगा तो हमारा ही धन ना वापस किया भैया, आपने जो लूटा, जैसे 16 फिल्म आपने देखा था, गब्बर सिंह का कोई नहीं था फिर भी गब्बर सिंह डकैती डालता था, नरेंद्र मोदी जी भी रंडवे हैं, नरेंद्र मोदी का भी कोई नहीं है, आगे नात न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी डकैती डालते,
लेकिन सरकार के पास तो रास्ता बचा नहीं। कैसे नहीं रास्ता है? कोई कमाई का जरिया तेल के अलावा है नहीं, कुछ विकास कहीं से रेवेन्यू आए नहीं। अरे भैया रेवेन्यू नहीं आएगा तो अपना वेतन भत्ता बढ़ा के क्यों ले रहा? ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये तो हिंदुत्व के पुरोधर लोग हैं, तो क्यों नहीं अपना वेतन भत्ता छोड़ देता है? अगर जितना देश का सांसद मंत्री वेतन भत्ता लेता है, मैं समझता हूँ अगर दो साल अगर वेतन भत्ता नहीं लेगा तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। आइए अपनी अपनी देशभक्ति दिखाइए। ये सावरकर वाली देशभक्ति दिखा रहे, ये गोडसे वाली देशभक्ति दिखा रहे कि देश की जनता को लूट रहे, खसोट रहे, दिन रात उनको गरीबी में ढकेल रहे। जहाँ रोटी पर नमक तेल प्याज रख के खाने की बात थी, प्याज महंगा कर दिया, नमक महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया है? अपने पैसा जितना का विज्ञापन लगा है, अगर इन्हीं विज्ञापनों के पैसे को भारत सरकार संजो के रखती, जो विदेशी दौरों में इन्होंने खर्च किया है, अगर इन्हीं पैसों को बचा कर रखती तो आज देश का स्थिति सुदृढ़ होता। देश की जनता ने इस बात को ठान लिया है, हिसाब एकदम सीधा साधा है, कोई बकवास नहीं है। भाजपा हराओ, महंगाई को कम कराओ। पिछले 8 दिन से स्टूडेंट लगातार सड़कों बैठे, मीडिया की हेडलाइन नहीं बनी है। कौन सी मीडिया की बात कहते? ये अंबानी अडानी के दलालों की कंपनियां है। प्रधानमंत्री कहते भाइयों बहनों मित्रों 75 साल पूरा होने पर पक्का मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री इतना बेशरम निर्लज्ज है, किसे एक पैसे का शर्म नहीं है। ये उस बात पर नहीं बोलते, घर का घर घो नहीं बोलते, चाइना का चौ नहीं बोलते। चाइना उत्तराखंड में घुसकर 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़ गया। चाइना जब से हावी है भारत पर, फिर भी भारत की सरकार 68% से अधिक व्यापार दुश्मन देशों से, सभी तरह के रिश्ते खत्म क्यों नहीं? गलवान की घटना आपने देखा होगा, भारत माँ के वीर सपूतों को जानबूझकर शहीद करा दिया गया। कौन लोग थे, क्यों बगैर हथियारों के भेजा, ये सवाल पूछता है भारत। और सुनिए ना, पुलवामा घटना में 300 किलो आरडीएस का सवाल पूछा है आपने, 50 किलो जेलेटिन का सवाल पूछा है, वो कार किसकी थी आपने सवाल पूछा है। क्या सैटेलाइट का फुटेज नहीं बताता? सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर खेतों में पराली जलाते हैं तो उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। और जनता हरा तो रही है भैया, देश की जनता जाग चुकी है, पूरा देश जाग चुका है। देश हित में भाजपा को औकात बतानी होगी, वोट का चोट देना होगा। जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कहते थे महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है, तो अब जो दाम कम हुए ये सरकार के हाथ में कहां से आया? उस समय सरकार के हाथ में लकवा मार गया था, मुंह में लकवा मार गया था, अब हाथ में मुंह में कुछ भी नहीं है। आप बताइए ना, चुनाव हारते ही इनके होश ठिकाने हो गए, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जुमलों से काम मोदी जी नहीं चलेगा, आपने जो पॉकेटमारी की है, आपने जो महंगाई के बढ़ाई है, इसको वापस लेना होगा, देश जाग चुका है। बीजेपी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, 9 लाख दिए जला रही है। अरे भैया उन गरीब के घरों में दिया जलाइए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। यहाँ का आपका मैंने नाना याद आ जाता है, नानी याद आती है, यहाँ क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं जा रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर जहाँ देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई बैठे हैं? जाइए ना खोड़ी गांव के विस्थापितों के बीच में, जाइए ना वहाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों को कानून का सहारा लेकर, कानून के नाम पर दमन करने वाली पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार और ऐसा जुट्ठों का सरदार, जुठलर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री पहली बार भारत को बदनसीबी से मिला है। लेकिन वही प्रधानमंत्री आज नौशेरा में पहुंच चुका है सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए। कहिए प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म हया नाम की चीज बची है तो पुलवामा में शहीदों के आश्रितों से जाकर मिले। किसी के परिवार का आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, नेता एक दिन के लिए बनेगा तो मशरूम की सब्जी खाएगा है, बिरयानी पाकिस्तान जाके खाएगा, आ शहीद के परिवार घर पर उपास पड़ेंगे? ये बात आप नहीं पूछते? पूछिए ना भाई कि जब आपने अगस्त मुनि ने समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए और नरेंद्र मोदी रोजगारें पी गए, तो उन रोजगार की बात कौन करेगा? उन जो पुलवामा में शहीद थे उनके आश्रितों को कौन देखभाल करेगा? कम से कम पेंशन तो सहारा था।
तो उस बात की नहीं होती। लेकिन जो विदेशों में उनका डंका बज रहा है उसको क्या कहेंगे? कहाँ डंका बज रहा है? अरे आपने डिजिटल बेइज्जती नहीं देखी? अरे आप लोग भी इतनी दलाली बर्बागिरी मत करो भैया, झुमका इतना मत गिराओ। बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उतना आप लोगों का स्तर गिर गया। अभी ब्रिटेन में क्या हुआ, प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ के विशेष विमान से जो जनता के टैक्स के पैसों का था, जो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने थे, प्रधानमंत्री अपना गधा का जन्म छुड़ाने के लिए विशेष विमान खरीदा और ब्रिटेन जाकर वहाँ टैक्सी मिला, वो भी प्राइवेट 8 लाख रुपए का। इससे बड़ा बेइज्जती होता है। दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है और दिल्ली का बॉर्डर प्रशासन के लोगों ने ऐसे बना दिया मानो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगा दिए, वो कोबरा वायर लगा दिया गया जो जानवरों के लिए भी लगाने की इजाज़त नहीं है। इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए, आप समझिए किसानों के साथ पता नहीं कितनी तरह की गालियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के लोग देते रहे, दिखाते रहे। सवाल उठता है किसानों को कभी भरुआ कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी नक्सली कहा गया, ये संविधान का कौन सा धारा इजाज़त देता है? और इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये लोग, ये देश के युवा हैं। युवा जब मचलते हैं तो भूचाल आ जाता है। ये युवा देश की रीढ़ हैं और ये तो फिर सरहदों की रक्षा के लिए वर्दी मांग रहे हैं। और इन्होंने तो मेहनत करी है, कोई अमित शाह के बेटे की तरह बीसीसीआई का सेक्रेटरी थोड़े ना बना है, कोई प्रेम सिंह धूमल की बेटे की तरह कोई मंत्री थोड़े ना बना है, कोई बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष थोड़े ना बना है, कोई अजीत डोवाल के बेटे की तरह थोड़े ना पाकिस्तान में जाके व्यापार कर रहा है। ये तो भारत माँ की सरहदों की रक्षा करना चाहता है और अपने लिए वर्दी मांग रहा है। इन्होंने तो जो एसएससी जीडी 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, इन्होंने रिटेन मेडिकल और फिजिकल तीनों कंप्लीट किया था। खुद नित्यानंद राय जी तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में लोकतंत्र के मंदिर में ये कहा था, 21 सितंबर को इन्होंने बयान दिया था 2020 को 1,11,000 पद रिक्त हैं। इन्होंने कहा था बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 57,584 और असम राइफल में 7,338। फिर इनकी बहाली क्यों नहीं? ये कौन सा साजिश है, ये कौन सा षड्यंत्र और प्रयोग है कि देश के युवाओं को भारत माँ की सेवा करने, भारत की सरहदों की हिफाजत करने से रोका जा रहा है? एक तरफ जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात कहते, सारे झुग्गियों में सोसो कर झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आज तुगलकाबाद और सूरजकुंड के बीच में लाखों की तादाद में रहने वाले लोगों को वहाँ मकान तोड़ दिए गए जो। Oh, oh, oh.